नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी जो KVS की आपकी तैयारी है उसको जोर शोर से कर रहे होंगे। साथियों, इस समय फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा मजबूरी है मेरी कि मतलब लाइट भी पूरा का पूरा गुल है। दो दिन से कल से लाइट पूरे गुल है और आज पूरी मतलब पूरे दिन लाइट नहीं आया। मैं KVS के विषय में बात करता हूँ। यह जो रोहित वैधवान सर जी हैं मेरे माननीय गुरु जी, तो इनका थोड़ा सा हेल्प करिए आप सभी लोग। मैं बताता हूँ अभी क्या क्या करने हैं, कैसे क्या करने हैं। थोड़े से एक दिन मतलब कि हमें हो सकता है किस तक कुछ सूचना मिल जाए, जो कि रोहित वैधवान सर का जो कि उनका दिली इच्छा है, मतलब दिल उनका कहता है बार बार, मतलब कि KVS वाले बच्चे, मतलब कि जो सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर मौका मिलेगा। इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन कुछ अभी मैं अपना डिस्कस कर लेता हूँ कुछ चीज़ें, बस तुरंत मैं बात करता हूँ। देखिए प्रशिक्षु, जो मतलब कैंडल, इस समय कैंडल लाइव मतलब कैंडल क्लास बन रहा है, समझ लीजिए अपने लाइव में पहली बार। पहले मैं तो पढ़ा रहा हूँ लगभग एक साल से यूट्यूब पे, एक साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ DLED वाले बच्चे और UPTET के सारे क्लासेस वगैरह। तो लेकिन यह सिचुएशन आएगा, इतना प्यारा सा मैंने कभी सोचा ना था, लेकिन प्यारा सा सिचुएशन है। देख सकते हो हर लाइव मतलब हर कंडीशन में जीना चाहिए भाई, ये हमको मतलब सीखने को मिलता है इससे। ठीक है, आज मैं तो हमेशा कभी ऐसा हुआ नहीं था और शायद मैं क्लासेस भी बंद कर रखा हूँ 2 दिन से, बच्चे परेशान भी हैं, लेकिन खैर देख रहे हैं। फिर भी मैं आपके सामने पूरी मजबूरियों को हराते हुए अपने मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप थोड़ा सा सहयोग करिए। देखिए सहयोग वाली बात ही नहीं है, मैं तो उतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, लेकिन खैर जज्बा तो है ना, खड़ा तो हुआ हूँ रोहित वैधवान सर के साथ, मेरे माननीय गुरु जी, उनका बहुत सपोर्ट रहता है ना हर फील्ड में मैं देखता हूँ। और देखिए प्रशिक्षु, जो अभी एक आपने नोटिस देखा था जिसमें कि साफ साफ ये मेंशन था कि जो अभ्यर्थी ऐसे हैं उन मतलब मैं कैसे मतलब कि उनका शुक्रिया अदा करूँ कि इतने ठंड में भी वो बेचारे, मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिए कितना ज़्यादा वह मतलब यहाँ से गए हेडक्वार्टर पर, फिर बातचीत सारी चीज़ें दिल्ली पर, फिर उसके बाद साथ ही फिर से उन्होंने कहा था उनको पूरा मतलब उनके दिली मतलब दिल में इतना पूरा आ रहा था कि अगर यह पूरी YouTube फैमिली पूरी सपोर्ट कर दे ना तो शायद यह चीज़ें हमारे पक्ष में आ सकती थी। लेकिन खैर ये चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं आई, इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अभी भी मौका हाथ से गया नहीं है। 2 दिन और है, 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। टिकट टिप्पणी करने वाले लोग आ ही जाएंगे अभी जैसे कि हमेशा टिकट टिप्पणी, मतलब कोई बात नहीं है टिकट टिप्पणी आप करो, लेकिन यह मत कहो ना कि हम आए हैं, मतलब ऐसी वीडियो मत बनाओ, कभी नहीं मिल सकता मौका। तो ठीक है, कभी नहीं मिल सकता हो तो बात की बात है, नहीं मिलेगा, अब नहीं मिल सकता, ऐसे बहुत सारे आते हैं, कह के जाते हैं, नीचे कमेंट करते हैं। खैर उनका काम है ना कहना, और वो कहते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। आप सभी को रोहित वैधवान सर का सपोर्ट करना है, फुल सपोर्ट करना है 2 दिन तक, जैसे वो कह रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म देखेंगे आप वैधवान करके है। देखिए भाई प्लेटफॉर्म मैं उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा उनके पूरे के पूरे वीडियो को ना, तो आप उसके माध्यम से उनके चैनल पे बनेंगे और मतलब भाई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं हमारे गुरु जी वो, है ना। तो आप सभी उनका सहयोग करिए। देखिए अगर प्रशिक्षु सबसे बड़ी हार या स्टूडेंट की हार नहीं है मेरे मतलब कि रोहित वैधवान सर का नाम है कि ये स्टूडेंट की हार नहीं है, पहली बात है ये शिक्षकों की हार है। जैसे मैं अभी आपने देखा जब रेलवे की वैकेंसी आई है, जो आई थी अभी फिर से आने वाली है, तो खैर उसके लिए बड़े बड़े जो पढ़ाने वाले थे, खैर आप जान ही रहे होंगे बड़े बड़े योद्धाओं को जो SSC के फील्ड में हैं, प्लस YouTube की दुनिया में, और प्लस जो रेलवे वगैरह को पढ़ाते हैं, खैर PCS वगैरह UPSC वगैरह को भी पढ़ाते हैं वो लोग, तो वो कितना सपोर्ट किए, मतलब पूरी ट्रेन पूरा दहल गया, पूरा का पूरा भारत दहल गया उससे, इतना बड़ा सपोर्ट हुआ, इतना भारी भरकम, तुरंत एक दिन पहले नोटिस और प्लस तुरंत लाइव कॉन्फ्रेंस आपके अश्विनी वैष्णव सर का, और तुरंत का तुरंत जो आपके इसमें SSC के चेयरमैन हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ था। फिर से देखते हो कि पहले से ही लाइव शेड्यूल आ जाता है, पहले से ही शेड्यूल प्रक्रिया जारी हो जाती है कि इस दिन SSC के एग्जाम होंगे, इस दिन रिजल्ट आएंगे, इस दिन उनकी चयन प्रक्रिया चालू होगी। सेम इसी प्रकार से रेलवे का भी अभी तुरंत आने वाला है, घबराइएगा मत, रेलवे का भी आ जाएगा, है ना। जो 3.5 लाख वैकेंसी आने वाली है उसका पूरा का पूरा चर्चा, पूरा का पूरा एक तरह से भविष्य, मतलब एक तरह से उसका अंत से ले शुरू से लेकर अंत तक भविष्य उसका निकालने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े सर हैं, उनका प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन इसी तरह अगर यह हमारी जो शिक्षिका मतलब शिक्षक है, पूरा का पूरा शिक्षक एक जगत है, मतलब कि जो
केवीएस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब की तैयारी, रीट, एच टेट, हरियाणा टेट, मतलब अनेक राज्यों के टेट एग्जाम कराने वाले भी कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब की दुनिया में मास्टर है भाई, यहाँ पे योद्धाओं की कमी नहीं है। उनमें से एक सबसे बड़ा योद्धा, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका यूट्यूब चैनल इस यूट्यूब की दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन उनके पास इतनी असीम साहस है ना सर के पास, कि सोच लीजिए अकेले जब वह केवीएस को लेकर जब सीटेट के अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए डिमांड कर रहे थे, डिमांड किए कि हमारा सहयोग करो, हमारा सहयोग करो, तो सारे बच्चों ने उनका एक तरह से भरपूर रूप से, कुछ ही बच्चे कर लिए, 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और उन्होंने सहयोग किया है ना पूरे के रूप से। लेकिन और यूट्यूब चैनल अगर थोड़े से अभी देखे तुरंत आ गया केवीएस में यह नहीं अप्लाई कर सकते है ना, ऐसा नोटिस आ गया, तो दुनिया भर के जो इतने भी छोटे मोटे बड़े बड़े जो अपने आप को योद्धा बनते हैं ना पढ़ा लिखा के, तो उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। अभी आगे भी सपोर्ट, कोई ऐसा वीडियो नहीं आता है उनका। पता नहीं किस दुनिया में व्यस्त रहते हैं, आखिर अब क्या ही किया जाए है ना। पता है सही कहते हैं रोहित सर, मुँह से गाली निकलती है, मुँह से गाली निकलती है, मतलब अजीब सी, मतलब इतना बड़ा उनका, मतलब पूरा का पूरा अपने आप को ताकत व झोंक दिए थे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई चीज़ें नहीं सामने देखने को मिला। हार नसीब होता है यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं है। पैसे तो हर आदमी कमाएगा है ना, कभी भी आप कमा सकते हो बहुत अच्छे से पैसे, पैसे की दुनिया में तो मत उतरा करो, पहली बात है। जो मानवता होती है ना, जो प्यार होता है, प्यार मोहब्बत, अगर वह जीत लो ना तो भविष्य में पैसे की तो टेंशन ही मत लो, वह चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। वो खैर अलग बात है कि पैसे रहेंगे तो लोग पूछेंगे, वह लोगों का भ्रम, मतलब एक तरह से भय होता है, भय पूछता है, प्यार नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग पूरा फुल सपोर्ट करिए उनका, सर का नाम है, 21 तारीख तक हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। रोहित वैद्यवान सर का बहुत बहुत आभार प्रकट आप व्यक्त करिए कि उन्होंने आपका पूरे यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज़्यादा सहयोग किया केवीएस को लेकर, जो सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी नाकामी हासिल लगी, एक नोटिस जारी हुआ जिसमें कि यह चीज़ें हमारे विरोध में था। और अभी 21 तारीख तक सर कह रहे हैं कुछ 21 तारीख तक हमको देखने को मिलता है, आशाएँ कुछ हैं, तो उस आशा में हो सकता है कि बहुत, मतलब 1% व 100% में हो जाए, ऐसा कुछ सामने निकल कर आ जाए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस मेरे कैंडल वाले वीडियो को थोड़ा सा उजागर करें, मतलब कम से कम सभी बच्चे इसको फॉलो करने लग जाएं, मतलब सभी लोग यहाँ पर आएँ और हमारे साथ, मतलब रोहित सर के साथ साथ थोड़े से सपोर्टिव ज़रूर हों। और जो भी यूट्यूबर भाई बहन ये चीज़ को देख रहे हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने इस बार 20 लाख बच्चे सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। हर चैनल पे कोई ना कोई, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सीटेट के अपीयरिंग एग्ज़ाम बैठने वाले हैं, जिनका बीएड और डीएलएड कंप्लीट होगा, तो ऐसे बच्चे क्यों, मतलब कम से कम नहीं तो 20 लाख में से 15 लाख तो बच्चे ऐसे ही होंगे ही जो सीटेट के लिए अप्लाई जो किए होंगे, उनका बीएड और डीएलएड कंप्लीट होगा। 5 लाख मान सकते हो, इधर उधर से 5 लाख क्या 2-3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि बीएड और डीएलएड कर रहे होंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम वाले बच्चे अप्लाई किए होंगे है ना, तो जिनका डीएलएड और बीएड नहीं क्लियर होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग केवीएस अपीयरिंग सीटेट वाले बच्चों को लिए सपोर्ट करिए। अगर इनको ऐसा कुछ नहीं करना था तो यह वैकेंसी पहले निकाले होते, 4-5 महीने पहले क्यों नहीं निकाल सकते थे, आखिर तब तो कोविड-19 तो था नहीं। और रही बात जो ओवर एज है बच्चे, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि भाई होनी चाहिए थी, उनको भी मौका मिलना चाहिए था यह चीज़। 4 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हो, अगर 2 साल पे वैकेंसी आती थी, अभी देखो 2015 में आया था, 2017 में आया था, फिर 2013 में भी आया था, 2018 में भी आया था, उधर तो लगातार देखने को मिला, फिर 4 साल गैप क्यों हुआ, कोरोना तो 2 ही साल था, 2 साल बाद आप निकाल देते। या फिर जो आपको पता है, जब यह सीटेट वाला जब 2 बार होता था साल में, जो पिछला सीटेट था लगभग कब होता है, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब उस 6 महीने बाद जो अंतराल पे होता है वह चीज़ें, जब वहाँ पे फर्स्ट हमको सीटेट नहीं देखने को मिला, दूसरा सीटेट देखने को मिला, तो कम से कम भाई आपको यह चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि पिछली सीटेट नहीं हुआ, इस बार सीटेट में बच्चे बैठ रहे हैं, तो हम फिर से वैकेंसी दे रहे हैं, एक तरह से बच्चों को कितना कष्ट होगा उन बच्चों को, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ अच्छा ही लिखा हो इसके लिए, जो होता है भले के लिए होता है, ये चीज़ें भी थोड़े से भापा करिए और सपोर्टिव बनिए, बस मैं यही कहूँगा। और सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, सर हैं, मैम हैं, सबसे रिक्वेस्ट यही करेंगे हम
सभी लोग भाई सहयोग करो इन बच्चों का। टीचर अगर सहयोग करिए ना तो शायद बहुत आगे जाओगे, जिस प्रकार से एसएससी और रेलवे का। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हों, आप सभी बच्चों उनको कोचो, बिल्कुल कोचो उनको ज़बरदस्ती कि भाई इसको क्यों नहीं आप कर रहे हो। इतने बच्चे, इतने सर हैं जो हमारे सपोर्टिव हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, क्यों सपोर्ट नहीं कर किया जा रहा है, ये चीज़ें बता दो। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसा काम आप सभी बच्चों करो। धन्यवाद।